मसकली के सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, अनुष्का शेट्टी साउथ की मशहूर एक्ट्रेसेस में शुमार होती हैं। अनुष्का अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। बाहुबली में उन्होंने देवसेना का किरदार अदा किया था, जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। आपको बता दें कि इन दिनों अनुष्का शेट्टी लाफिंग डिजीज़ का शिकार हो गई हैं। आइए जानते हैं क्या है ये बीमारी और इसके लक्षण क्या होते हैं। दरअसल हाल ही में अनुष्का शेट्टी ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि उन्हें लाफिंग डिजीज़ है। ये एक मानसिक विकार है जिसमें इंसान की भावनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं और वो बिना किसी कारण के हंसने लगता है। मेडिकल भाषा में इसे स्यूडो बुलबार इफेक्ट्स यानी PBA के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी से जूझ रहे मरीज जब हंसना शुरू करते हैं तो लगातार हंसते रहते हैं। 15-20 मिनट तक उनकी हंसी रुक नहीं पाती है। इसके अलावा मरीज रोने भी लगते हैं, यानी इस बीमारी में व्यक्ति को अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल लगता है। ऐसे लोग अपने गुस्से पर भी काबू नहीं कर पाते हैं। इस विकार में इंसान बिना किसी वजह के लगातार हंसता रहता है, या फिर ज़्यादा रोता है या बेवजह रोता है। उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता, उसे ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बात करेंगे अब लाफिंग डिजीज़ के कारणों की। इसका कारण तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र को चोट लगना, न्यूरोलॉजिकल विकार जैसे स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर होते हैं। अब बात करेंगे लाफिंग डिजीज़ के रोकथाम और प्रबंधन की। दवा और थेरेपी के जरिए इसका इलाज किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर या थेरेपिस्ट से आप मदद ले सकते हैं। परिवार और दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। मेडिटेशन और योग के जरिए तनाव पर काबू पाने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो अभी हमने बात की उस बीमारी की, जिस बीमारी से इन दिनों अनुष्का शेट्टी परेशान है, और इस बीमारी का नाम है लाफिंग डिजीज़। आशा करते हैं आज की ये विशेष जानकारी आपको पसंद आएगी, और अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को, और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।